दोस्तों पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में जब बैक टू बैक विकेट गिरते चले जा रहे थे तो उस वक्त पर केएल राहुल ने खड़े होकर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करी बल्कि अर्धशतक लगाकर रिकॉर्ड भी बना डाले हैं। आखिरकार केएल राहुल ने एक बार फिर से भारत की मदद कर अपनी बल्लेबाजी से क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, उनकी पारी और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हो चुका है। इस मुकाबले के पहले दिन के खेल में दोनों टीमों के नाम आधा आधा दिन का खेल रहा। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, टॉस जीतकर चुनी पहले बल्लेबाजी। इनकी टीम की तरफ से इससे पहले की कोई बड़ी पारी खेल पाता हमारे गेंदबाज खेल कर गए थे। टकिट और साथ ही साथ सलामी जोड़ी के और भी बैट्समैन को आउट करने में अश्विन ने आगे हाथ बढ़ाया तो वही दोस्तों बाकी खिलाड़ियों को आउट करने में जडेजा समर्थ रहे थे। दोनों के नाम तीन तीन विकेट दर्ज हुए और बुमराह जाते जाते स्टॉक्स को आउट कर गए। कुल मिलाकर दोस्तों ये टीम 246 पर ऑल आउट हो गई थी, जिनके जवाब में पहले दिन के खेल में रोहित तो भले ही 24 पर आउट हो गए लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 74 रन की ऐसी नाबाद पारी खेली थी जिसे देखकर हर कोई सलाम कर गया था, क्योंकि दोस्तों ये पारी टेस्ट नहीं बल्कि T20 जैसी थी और पूरी उम्मीद थी कि दोस्तों ये पारी एक शतक में भी तब्दील होगी। लेकिन अफसोस कि दूसरे दिन के खेल के शुरू होते ही ना यशस्वी जायसवाल 80 रन पर गलती कर बैठे। वैसे तो जोरूड गेंदबाजी पर नहीं आते लेकिन आए तो कॉट एंड बोल्ड कर गए दोस्तों वो यशस्वी जायसवाल को। खैर इसके बाद बल्लेबाजी का मोर्चा पूरी तरीके से केएल राहुल, गिल और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर के कंधों पर आना था, लेकिन अफसोस गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इस मौके पर, ऐसे वक्त पर जब भारत को बल्लेबाजी और पार्टनरशिप्स की जरूरत थी, उसी वक्त पर दोस्तों एक खिलाड़ी आगे आया और ना सिर्फ भारत की इज्जत को बचाया बल्कि अपनी बल्लेबाजी से ऐसा स्कोर बना दिया है कि अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं केएल राहुल की। आपको बता दें कि गिल के आउट होने के बाद प्रेशर इतना बढ़ गया था कि लग रहा था कि मानो 250 से पहले ही ऑल आउट ना हो जाए, लेकिन केएल राहुल ने दोस्तों आते ही मार्क वुड को चौका चढ़ा। लेकिन आप इसे कोई साधारण चौका मत समझिए, क्योंकि पारी के 36वें ओवर में मार्क वुड को केएल राहुल ने ना एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बैक टू बैक चौके लगाए। कोई मिडऑन की तरफ से था तो कोई 200 बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से। हर एक दिशा में जैसे ही शॉट लगने लगे ना तो हर एक दिशा से दोस्तों प्रेशर भी रिलीज होता चला गया भारत के ऊपर से। और फिर अय्यर ने भी टॉम हार्टली को जब छक्का चढ़ाना तो सोने पर सुहागा हो ही चुका था। लेकिन दोस्तों वाकई में केएल राहुल की पारी महत्वपूर्ण क्यों थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। एक मुश्किल घड़ी में इस खिलाड़ी ने 65 गेंदों में 7 चौके लगाकर ना अपने 45 रन बनाए थे और फिर देखते देखते और 5 रन जड़कर अपना 50 भी पूरा किया। अब इसे कहते हैं एक टेस्ट वाली पारी। खेल तो दोस्तों केएल राहुल भी तेज तर्रार तरीके से सकते थे लेकिन टेस्ट के प्रारूप को समझते हुए इस खिलाड़ी ने वक्त के परिस्थितियों को भी समझा और अपनी टीम के लिए सहजता रखते हुए इस पारी को खेला और इसी के दम पर दोस्तों भारत का स्कोर लगभग अब 250 के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों केएल राहुल ने अपने अर्धशतक से रिकॉर्ड भी बनाया है। दोस्तों ये 50 पूरा होते ही केएल राहुल के टेस्ट में ना अब 14 हाफ सेंचुरीज हो चुके हैं और इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ऐसा करने वाले खिलाड़ी बेहद ही कम हैं। इनफैक्ट इसी अर्धशतक के साथ उनके 2800 से ज्यादा रन अब टेस्ट क्रिकेट में हो गए हैं और वो सबसे ज्यादा रन लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में से एक बन गए हैं टॉप 10 में से। दोस्तों केएल राहुल की इनिंग और उनके रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।